हेलो गाइस, वेलकम टू द वीएस किचन। आज हम बनाने वाले हैं सेब का मुरब्बा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर लिए हैं 1 किलो सेब। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन सेब के जो छिलका है उसको उतार देंगे, यानी कि सेब को हम छील लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे छिलके को हमने उतार लिया है। अब हम इसके 4 टुकड़े कर लेंगे। आप चाहें तो पूरा भी कर सकते हैं, यानी कि पूरे सेब का भी मुरब्बा बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये सेब बहुत बड़ा है तो इसके लिए हम इसके 4 टुकड़े कर रहे हैं। अच्छे से इनकी बीजों को निकाल देंगे और हैंड टू हैंड टुकड़े करने के बाद हम इसको पानी के अंदर डाल देंगे, जिससे ये काले ना पड़े। तो यहाँ पर हमने सारे एप्पल काट लिए हैं और अच्छे से पानी में डाल दिया थे। उसके बाद हमने पानी से निकाल कर इनको धोकर दोबारा से पानी ले लिया है। यहाँ पर हमने जितने हमारे एप्पल थे उससे ज़्यादा पानी लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी की क्वांटिटी भी। तो अब हम इनको पकाएंगे। तो गैस की फ्लेम को हाई टू मीडियम के बीच में रखेंगे और 10 मिनट हम इनको पका लेंगे। कम से कम हम इनको 70% हमें इन एप्पल्स को पका लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 70% हमारे एप्पल गल चुके हैं। तो अब हम इनको निकाल लेंगे और इस पानी को हम बिल्कुल भी फेंकेंगे नहीं। तो जिस पानी के अंदर हमने एप्पल को उबाले थे उस पानी को हमने यहाँ पर आधे से ज्यादा निकाल दिया। आप देख सकते हैं पानी बहुत कम रह गया है। करीबन हमारा ये पानी होगा 200 से 250 ग्राम। इसके अंदर हम डालेंगे 300 ग्राम चीनी। डालने के बाद हम अच्छे से चीनी को मेल्ट कर लेंगे और चाशनी बना लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चीनी मेल्ट हो चुकी है पूरी। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे हमारे उबले हुए एप्पल और 10 से 15 मिनट गैस की फ्लेम को हाई टू मीडियम के बीच में करके हम चाशनी के अंदर ही एप्पल को पका लेंगे, जब तक कि हमारी चाशनी अच्छे से गाढ़ी नहीं हो जाती। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 से 20 मिनट के बाद ही काफ़ी अच्छी और काफ़ी गाढ़ी चाशनी हमारी बन चुकी है। एक तार की चाशनी हमें यहाँ पर बनानी है। आप देख सकते हैं कितनी गाढ़ी चाशनी है। धीरे धीरे अगर आप इसको टपकाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि इसके अंदर एक तार बनना शुरू हो चुका है। आप लास्ट देखते रहिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तार बिल्कुल टूट रहा है। तो इसी तरीके की चाशनी हमें यहाँ पर रखनी है। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1 नींबू का रस, जिससे जो चीनी है क्रिस्टलाइज ना हो, यानी कि जमे नहीं। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसको ढक के रख देंगे 4 से 5 घंटे के लिए, या फिर आप 2 से 3 दिन के लिए भी ढक के रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको जल्दी खाना है तो 4 से 5 घंटे कम से कम हमें इसे ढक के रखना ही है। तो 4 से 5 घंटे के बाद हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके के हो चुके हैं। गैस हम अपना यहाँ पर बंद कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 घंटे हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा मुरब्बा बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसके अंदर खुशबू के लिए डाल देंगे 1 चम्मच से थोड़ा सा कम इलायची पाउडर। अच्छे से मिक्स कर देंगे। इलायची पाउडर से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, तो वो डाल दिया हमने यहाँ पर। मिक्स कर देंगे। अब हम इसको एयर टाइट कंटेनर में ढक के बंद करके रख देंगे और 1 से 2 महीने 3 महीने तक भी आपका ये मुरब्बा ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। जब भी मन करे आप इजीली इसको निकाल कर खा सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा बाउल के अंदर सर्व कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारा मुरब्बा बनकर रेडी हुआ है। तो यहाँ पर हमने बाउल के अंदर एप्पल के मुरब्बे को सर्व कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया और कितना लजीज मुरब्बा बनकर रेडी हुआ है। तो अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हमारे चैनल द वीएस किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।